नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। पिछले कुछ दिनों से सीएम सिटी करनाल में कोरोना पॉजिटिव लोगों का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। जहां पहले प्रतिदिन 200 से भी अधिक कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आ रहे थे, वहीं अब अक्टूबर माह के पहले हफ्ते में यह ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। इसे स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धि कहें या फिर लोगों की जागरूकता, बात एक ही है। लेकिन करनाल के सिविल सर्जन योगेश शर्मा का कहना है कि जब तक आम आदमी इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं होगा और वह अपनी जांच अपनी इच्छा से नहीं करवाएगा, तब तक इस बीमारी की चैन को तोड़ना मुश्किल है। हालांकि ग्राफ जरूर कम आ गया है, लेकिन बीमारी का खतरा अभी टला नहीं है। विभाग द्वारा हर PHC, CHC और मोबाइल वैनों के माध्यम से लोगों की टेस्टिंग का प्रावधान है, लेकिन लोग अपनी इच्छा के अनुसार टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जो कि गलत है। विभाग द्वारा कई सुविधाएं मुहैया करवाई गई है, वह उनका लाभ ले सकते हैं। समाचार एक्सप्रेस के साथ विशेष बातचीत में सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने बताया कि उनका लक्ष्य प्रतिदिन 1500 से 2000 लोगों की टेस्टिंग करना है, लेकिन मौजूदा समय में करीब 1000 लोगों की टेस्टिंग हो पा रही है। लोगों को चाहिए कि वह अपना टेस्ट स्वयं करवाएं, ताकि उन्हें भी यदि यही बीमारी है तो उनका उपचार हो सके। वहीं डेंगू से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीते 2 माह से विभाग की टीम प्रयासरत है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है। करीब 1000 से अधिक लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं, जिसके कारण मच्छर पनपने का लार्वा मिला है। यदि दोबारा से उनके घर में लार्वा मिला तो उन पर जुर्माना भी होगा। इसके अलावा नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग मिलकर मच्छर जनित की बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयासरत हैं। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सामान्य अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मरीजों को कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही। यदि तब भी किसी मरीज को कोई समस्या है तो उस विभाग के हेड या फिर उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। देखिए सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने समाचार एक्सप्रेस से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा जी। मैं आपको इनके बारे में पहले बता दूं कि डॉक्टर योगेश शर्मा पिछले काफ़ी लंबे समय से करनाल में कई मुख्य स्वास्थ्य विभाग में कई मुख्य पदों पर अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो वाकई में काबिले तारीफ है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से उसका जो ग्राफ है वो डाउन आता जा रहा है, और यह करनाल वासियों के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए और सभी के लिए एक राहत भरी खबर है कि यह बीमारी जल्द से जल्द हमारे बीच में से निकल जाए, ताकि जो एक आम आदमी की जो व्यवस्था की गाड़ी थी वो पटरी से उतर ट्रैक से अपने उतर चुकी थी, वह दोबारा से ट्रैक पर आ जाए। मैं एक और बताऊँ कि अब डेंगू और हम पहले भी बता दो कि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं उसके वो अपना दस्तक दे चुकी हैं। उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या प्लान किया है, क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ अब होनी है, क्या शुरू हो चुकी हैं, ये सब विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस समय सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, डॉक्टर साहब, एक सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि आपके प्रयासों से और जनता के प्रयासों, जनता के सहयोग से जो COVID-19 के केसेस हैं डे बाय डे इनका ग्राफ डाउन आता जा रहा है, तो मैं इसके लिए आपको और सारी जनता को उनके सहयोग के लिए और आपके प्रयासों के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं। सर, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अब मच्छर जनित बीमारियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, लगभग डेंगू ने दस्तक भी दे दी है। सर, इसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने क्या प्लान किया है? आपका तरुण जी बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमारा कुछ दिन से जो केसेस हैं पॉजिटिव केसेस में काफ़ी कमी आई है। इसमें मैं एक बात पहले ये जरूर कहना चाहूँगा कि ऑफकोर्स पॉजिटिविटी रेट जो है हमारा काफ़ी कम हुआ है, जो कि लगभग किसी समय पे 20% के आसपास भी पहुँच गया था, अब लगभग 5 और 6% के आसपास आया है। लेकिन अभी इस समय पर हमें और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यही टाइम है जब हम अधिक सावधानी बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस चेन को, इस प्रोग्रेशन की चेन को हम तोड़ पाएंगे। तो हमें अपना गार्ड जो है, हमें जो अपनी सावधानियां बिल्कुल कम नहीं करनी है, मास्क का एक प्रॉपर प्रयोग करते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, इसी के कारण हम इसको और कम कर पाएंगे। और एक सबसे बड़ी और जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि टेस्ट ज़रूर करवाएँ,
कहीं ना कहीं कुछ दिनों में ये देखने में आया कि हमारी टेस्टिंग जो है वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। टीम्स हमारी बहुत मेहनत करके फील्ड में अलग अलग जगह पे टीम्स जा रही हैं, मैन पावर भी सारी लगी हुई है, लेकिन लोग टेस्ट करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो ये लोकसभा ने हमें बताया कि हमारा हालांकि जो है पॉजिटिव केसेस का ग्राफ काफ़ी डाउन आता जा रहा है, अब बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लोगों को अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ तक आवश्यक हो घर से तभी निकलें जब आवश्यक या बहुत ही ज़रूरी काम हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइज करें और कम से कम अपने हाथों को हर थोड़ी देर के बाद जब भी वो अंदर से बाहर आएँ बाहर से अंदर आएँ तो 20 सेकंड के लिए धोएं जरूर उनको अपने हाथों को। इन सावधानियों को अपना करें हम इस ग्राफ को और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमारे एक और जानकारी देने का प्रयास किया है कि जो लोग हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इनका ये मानना है कि लोगों को खुद ब खुद आगे आने चाहिए। जो स्वास्थ्य विभाग इतना प्रयास कर रहा है, जब स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार टेस्टिंग की ओर जोर दे रही हैं, तो पब्लिक जानबूझकर या पब्लिक खुद भी सेल्फ इंटरेस्ट अगर लेकर आ गया है तो हम इस बीमारी को मूल जड़ से ख़त्म करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। सर अगर हम जानने का प्रयास करें तो डेली अगर हमारे यहाँ पर कितनी टेस्टिंग हो रही होगी? नहीं, हमारी लगभग हमने पीछे 1500 से 1600 तक भी डेली टेस्टिंग तक हम चले गए थे। कहीं ना कहीं वो अब डाउन हुई है, आज की डेट में हम 1000 के आसपास डेली टेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लक्ष्य जो है वो अभी भी 1500 से 2000 के बीच में टेस्ट करने का है। लेकिन जब तक पब्लिक की उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगी, वॉलंटरी खुद आगे नहीं आएंगे, जबकि हमने इतनी सुविधाएं दी हैं कि हर PSC पे, हर CSC पे और सिटी के अंदर भी कम से कम 4 फिक्स साइट्स हैं, उसके अलावा 3-4 हमारी मोबाइल वैन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाती हैं। अब हमने शाम के समय भी डिफरेंट एरियाज़ में अपनी मोबाइल वैन्स भेजनी शुरू की हैं कि जो लोग सुबह आप नहीं करवा सकते वो शाम को करवाएं। और एक और बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि टेस्टिंग पेड है, बिल्कुल टेस्टिंग पेड नहीं, टोटल फ्री टेस्टिंग हो रही है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। केवल जो व्यक्ति जो किसी को अपने पर्सनल रीज़न के लिए कोई टेस्ट करवाना है, कोई जिसमें कि सर्विस के लिए कोई उनको रिपोर्ट चाहिए, केवल उन चीज़ों के लिए एक सरकार द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं जो मिनिमल रेट्स हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए रूटीन टेस्ट के लिए कोई किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं। तो मेरा आग्रह यही रहेगा, इस चेन को हम तभी रोक पाएंगे कि हम टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराएँ, पॉजिटिव आने पर हम आइसोलेट करें। और एक और चीज़ है, हम सब मैक्सिमम लोगों को होम आइसोलेट ही कर रहे हैं, तो इसी में भी किसी तरह की कोई असुविधा की बात नहीं है। तो कृपया इस वक्त आगे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, तभी हम इस ग्राफ को और नीचे ला पाएंगे। देखिए, डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया है कि लोगों को खुद वॉलंटियर्स बनकर आगे आना चाहिए अगर कोरोना की चेन को तोड़ना, इसकी ट्रांसमिशन को, COVID-19 के ट्रांसमिशन को तोड़ना। इन्होंने एक और जानकारी दी कि लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा था COVID-19 के लिए सरकार द्वारा फीस ली जा रही है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जा रही, लेकिन जिन लोगों के अपने पर्सनल रीजंस हैं, जिनको अपने पर्सनल कामों के लिए COVID-19 का टेस्ट करवाना है, उनसे सरकार द्वारा निर्धारित राशि ली जा रही है, लेकिन निर्धारित राशि से अगर कोई ज़्यादा लेता है तो उनकी शिकायत इन तक कर सकता है। और इसके अलावा उन्होंने बताया किस तरह से इनकी टीमें लगातार अब सुबह के साथ साथ शाम को भी COVID-19 के टेस्ट होंगे, मोबाइल वैन के माध्यम से आप टेस्ट करा सकते हैं, हर PSC CSC लेवल पर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। इनका फिर ये आग्रह है, इनका फिर ये करनाल की जनता से अनुरोध है कि इनका जो लक्ष्य है वो उनका लक्ष्य है कि प्रतिदिन 1500 से 2000 तक के टेस्ट हों, जितने अगर पॉजिटिव भी आता है तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से उन पर नज़र रखा हुआ है। और उस व्यक्ति को जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसको होम आइसोलेट किया जा रहा है, उसको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही। सर अब बात करते हैं डेंगू के रिगार्डिंग। सर डेंगू से बचाव के लिए और मच्छर जनित बचाव के लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं? देखिए, जब कोविड सीजन, कोविड की संक्रमण हो रहा है और उसके साथ साथ डेंगू भी अपने दस्तक दे रहा है, तो ये एक और ज़्यादा घातक कॉम्बिनेशन बन जाता है। जिस व्यक्ति को डेंगू है और खुदा न खास्ता उसको साथ में कोविड भी हो जाए, तो उसमें मोर्टेलिटी और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा जो है इसके बारे में हमारा जो विभाग है पूरी तरह सतर्क है। पिछले 2 महीने से लगातार हमारी जो मलेरिया की टीम्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, वो रेगुलरली हाउस टू हाउस विजिट करके एंटी मलेरियल, एंटी मॉस्किटो, जो हमारे एंटी लार्वल एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारी रेगुलरली चल रही हैं, नोटिसेस दिए जा रहे हैं जहाँ पे भी कोई वायलेशन देखी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ फिर मैं आग्रह करूँगा कि इसके लिए भी हमें खुद जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम हमारे घर में, हमारे घर के आसपास हम पानी एकत्रित ना होने दें, घर की छतों पे, कूलर्स में,
जो कहीं पॉट्स पड़े होते हैं वहाँ पे जो पानी होता है उसको शीघ्र साफ़ करें। हर संडे को एक ड्राई डे के रूप में मनाएं कि अपने घरों में जहाँ भी पानी है टोटल ड्राई कर दें उसको, क्योंकि अगर हम घर खुद अवेयर नहीं होंगे, घर में पानी आसपास होगा कहीं ना कहीं जो डेंगू का मॉस्किटो है उसमें पनपता है, तो उसको रोकने के लिए आपका सहयोग की बहुत ज़रूरत है। लेकिन विभाग अपनी तरफ से पूरी कर रहा है, फील्ड में हमारी जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे हमने गंबूजिया फिश छोड़ी है जो कि लार्वा को ख़त्म करती हैं। इसके अलावा लार्वासाइडल ड्रग्स का भी छिड़काव भी किया जा रहा है। जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो रेगुलरली इसको फॉगिंग भी करा रही, लेकिन इस मौसम में हम फॉगिंग पे कम जोर देना चाहते हैं क्योंकि वो रेस्पिरेटरी दिक्कतों को और बढ़ा सकती है। इसलिए हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, पानी हम इकट्ठा ना होने दें, जहाँ तक हो सके फुल स्लीव के कपड़े पहने, क्योंकि मॉस्किटो मोस्टली डे बाइटर है, शाम के टाइम के या अर्ली मॉर्निंग में डाई बाइट करता है। तो सभी से अनुरोध है कि हमारी टीम्स हैं जो जाती हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, रेगुलरली हाउस टू हाउस विजिट भी कर रही हैं। सर देखिए, हमें डॉक्टर योगेश शर्मा ने किस तरह विस्तार से बताया, और मैं आपको फिर पुनः दोबारा एक ही बात कहूँगा कि ये बार बार जनता से अनुरोध कर रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं कि वो खुद भी जागरूक हों। इन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से विभाग की टीमें लगातार एंटी मलेरिया एक्टिविटीज़ में कर रही हैं, डोर टू डोर जाकर देखा जा रहा है कि कहाँ पर। इसके अलावा गंबूजिया फिश के बारे में आपको बता दूं, वो ऐसे उनको लार्वा को चट करती है जो इन बीमारियों को फैलाते हैं। और आपको बता दूं कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और यह दिन के समय में काटता है, इसलिए आप ही अपने घर के आसपास या अपने घर में कूलर में, छतों पर, टायरों में, घर के आसपास कहीं पर भी गंदा या साफ पानी है तो उसको एकत्रित मत होने दें। इसके अलावा हर रविवार को ड्राई डे के रूप में मनाएं। हर रविवार ड्राई डे का मतलब है कि अपने घर के आसपास प्रॉपर सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं, जहां पर भी पानी एकत्रित है वहां पर उसको बिल्कुल भी खड़ा ना होने दें, चाहे वो साफ है चाहे वो गंदा है। सर मैक्सिमम केसेस यमुना से सटे क्षेत्रों के आसपास में आते हैं, तो वहां पर कोई खास मतलब इंतजाम किए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल, जो हमारे हाई रिस्क एरियाज़ हैं उसमें मैं पहले बताया फॉगिंग तो है उसका पार्ट है, एंटी मलेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी टीम्स रेगुलरली जाके और उसके जो एंटी लार्वल ड्रग्स हैं जहाँ पे पानी एकत्रित होता है वहाँ पे डालती हैं। तो क्योंकि एक बार सबसे ईजी काम होता है कि मच्छर को पनपने ना दिया जाए, तो उसके लिए वो सारी एक्टिविटीज़ उसमें किया जा रही हैं। बिकॉज यमुना के एरिया में ऐसा थोड़ा लो लाइंग एरिया जहाँ पे पानी का एकत्रित होने का वो रहता है, कुछ सैनिटेशन कंडीशंस भी वहाँ पे ऐसी हैं, तो कहीं ना कहीं सब विभाग के साथ साथ पब्लिक को भी जागरूक इसके लिए होना चाहिए। सर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर जाकर चेकिंग की जाती है भी, अगर कूलर में पानी है तो कूलर की सफाई की जाती है, अगर पुनः उनके घरों में पाया जाता है ऐसा कुछ या पानी इकट्ठा पाया जाता है, पानी के अंदर लार्वा पाया जाता है, तो उन्हें नोटिस दिया जाता है। सर अगर हम इस एक्टिविटीज़ की बात करें पिछले 2 महीनों में तो कितने लोगों को नोटिस दिया जा चुका है? एग्जैक्ट फिगर तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो तकरीबन 1,500 से ज़्यादा लोगों को हम ऑलरेडी जो है वो नोटिस दे चुके हैं। देखिए ऐसे लोग जो अपने घरों में साफ़ सफाई नहीं रख रहे, मैं आपको फिर बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनको नोटिस दिया जाएगा, जिनके घरों में लार्वा पाया जाएगा, जिनके कूलर में पानी मिलेगा पानी के अंदर लार्वा होगा, या कहीं उनके घर के आसपास या छतों पर या पानी की टंकियों में, ये स्वास्थ्य विभाग हर चीज़ को जांचेगा। अगर वहाँ पर मच्छरों को पनपने ना दिया जाए, अगर मच्छर पैदा करने वाला लार्वा वहाँ मिलेगा तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा। सर अगर नोटिस देने के बावजूद भी पब्लिक नहीं मानती तो उनके लिए और इसके अलावा और क्या पेनल्टी का प्रावधान? इसमें चलान का प्रावधान है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उसमें आता है, तो हम अगर कोई सेकेंड टाइम डिफॉल्टर होता है तो उसके लिए फिर हम उसकी सूचना जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उसको चलानिंग की जा सकती है, फाइन किया जा सकता है। सर मैं आपको फिर बता दूं समाचार एक्सप्रेस और डॉक्टर योगेश शर्मा के माध्यम से कि यदि आपके घर में मच्छर पनपने वाला लार्वा पैदा पाया जाता है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें जांच करती हैं, पहली बारी में लार्वा पाया जाता है तो आपको नोटिस दिया जाएगा, सेकंड टाइम अगर आप डिफॉल्टर मानी यानी कि सेकंड टाइम भी अगर आपके घर में लार्वा पाया जाता है तो आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर योगेश शर्मा की तरफ से, डॉक्टर योगेश शर्मा जो अनुरोध कर रहे हैं वो बार बार एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि जनता जो है वो स्वयं जागरूक हो, क्योंकि शरीर उनका अपना है, घर उनका अपना है, बीमार वो खुद हो रहे हैं, बीमार वो खुद ना हों, अगर वो बीमार होंगे तो स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ती हैं। स्वास्थ्य विभाग उनकी मदद करने के लिए हर तरह से सदैव तत्पर है
और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सारी की सारी फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ को मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर किसी भी बीमारी की ट्रांसमिशन को तोड़ना है तो सबसे पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सर, इसके थोड़ा सा लीक से हट के बात करते हैं, सर कोई ऐसी कोई योजना है जो अब सरकार नया प्लान करने जा रही हो जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके? पीछे कुछ दिनों में लॉकडाउन के पीरियड के कारण और महामारी के शुरुआत में जो हमारी सभी सर्विसेज थी वो थोड़ी फुल फ्लैश स्केल पे नहीं चल रही थी, लेकिन अब हमारी ऑल काइंड्स ऑफ सर्विस, चाहे वो मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं, चाहे वो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं, चाहे वो हमारी रूटीन ओपीडी है, एमरजेंसी ओपीडीज हैं और हमारी सर्जिकल इलेक्टिव सर्जरीज हैं, वो सारी हमारी सभी संस्थाओं में पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। तो मैं फिर अपील यही करूँगा कि जैसे मेटर्नल और चाइल्ड हेल्थ में है, जितनी भी हमारी अर्ली प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपना 9th को हम मंथ हर 9 तारीख को हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जांच की जाती है, तो वो वहाँ पे जाएं, अपनी प्रॉपर जांच कराएं, किसी तरह की कोई हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह की स्वास्थ्य सेवा हर स्वास्थ्य केंद्र पे इस वक्त उपलब्ध है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे जो इंचार्जेस हैं, SMOs हैं, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सभी तरह के सभी प्रोग्राम्स जो हैं वो फुली हम क्रियान्वित कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हालांकि कुछ गतिविधियां जो स्वास्थ्य विभाग की एक्टिविटीज़ थी उन पर थोड़ी सी ब्रेक लग गई थी, लेकिन अब पुनः से वो सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं। हर जगह पर, हर PHC में, हर CHC में, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे वो सामान्य अस्पताल है, चाहे वो कोई PHC CHC गाँव का कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर हर तरह की योजना को पुनः सुचारू रूप से चला दिया गया, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की जाँच का वो विषय हो, हर तरह की। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगर किसी को किसी से भी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आती है तो वो इनसे संपर्क कर सकता है या उस विभाग के जो इंचार्ज है उनको शिकायत दर्ज करा सकता है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इनका सबसे बड़ा कहना यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा, जहाँ तक संभव हो सकेगा हर प्रयास किया जाएगा। सर, सिविल हॉस्पिटल से कुछ ओपीडीज मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दी गई हैं। सर, कौन कौन सी ओपीडीज वहाँ शिफ्ट कर दी गई? नहीं, ऐसा है, जब क्योंकि मेडिकल कॉलेज में एक निर्णय लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार द्वारा कि जो कोविड पेशेंट्स हैं वो मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि बेड्स की व्यवस्था ज़्यादा थी, 500 बेडेड हॉस्पिटल है तो वहाँ पर की जाएगी। तो इसके चलते दूसरा निर्णय ये लिया गया था कि जो हमारी इनडोर सर्विसेज हैं, चाहे MCH है, सर्जिकल सर्विसेज हैं और ऑर्थोपेडिक्स की इंडोर सर्विसेज हैं और मेडिसिन की, वो सारी सिविल हॉस्पिटल में होगी। और क्योंकि सारी सर्विसेज उधर नॉन कोविड शिफ्ट की हैं, ओपीडी को हमने एज सच एक ही जगह पे मेडिकल कॉलेज में करने का, जिससे कि दोनों में जो मैन पावर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके और लोगों को कन्फ्यूजन ना होगी कहाँ पे ओपीडी में हमने जाना है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो है जो हमारी मेडिसिन की ओपीडी है, चाहे वो हम इसकी गायनी की ओपीडी है, ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी है, प्लस इवन हमारी पीडियाट्रिक की ओपीडी है, वो सारी ओपीडी सर्विसेज प्रॉपर तरीके से जो है वो कल्पना चावला की ओपीडी विभाग में चल रही हैं। और इसके अतिरिक्त जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो हमारे ट्रॉमा सेंटर में हो रही है, सर्जरी जितनी हो रही है वो भी हमारे सिविल हॉस्पिटल में हो रही है, नॉन कोविड MCH सर्विसेज हैं जो मेटर्नल एंड चाइल्ड सर्विसेज, वो भी हमारे सिविल हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वहाँ से की जा रही हैं। इन दोनों जगह पे जो स्टाफ है वो दोनों विभाग, दोनों जगह का स्टाफ काम कर रहा है। सिविल हॉस्पिटल में भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं साथ में सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेश शर्मा। मैं आपको फिर से बता दूं कि उन्होंने हमें विस्तार से पूरी जानकारी दी कि कौन कौन सी ओपीडी कहाँ कहाँ चलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि इनका जो मुख्य मकसद है, मेन मकसद ये है कि किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए हालांकि पीछे कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया था कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते, डॉक्टर यहाँ पर नहीं मिल रहे, वहाँ नहीं मिल रहे, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है। इन्होंने यह भी विस्तार से जानकारी दी हमें कि कौन कौन सी ओपीडी सिविल में चल रही है, कौन कौन सी ओपीडी मेडिकल कॉलेज में चल रही है, क्या कारण है कि ओपीडी को वहाँ शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज को बाधित नहीं होने दिया जा रहा। मैं एक बार फिर से समाचार एक्सप्रेस और डॉक्टर योगेश शर्मा की तरफ से जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि जो अनुरोध डॉक्टर योगेश शर्मा ने जनता से किए हैं बीमारी की ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए, वह जरूर आगे आएँ,
और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें ताकि हम बीमारियों की ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।